हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं टेक गुरुजी के इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों, इस एपिसोड में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो दोस्तों आप सिम कार्ड नहीं खरीद सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आपका सिम कार्ड आधार कार्ड से अटैच नहीं है, जुड़ा नहीं है, तो आपका सिम कार्ड डिस्कनेक्ट हो जाने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने सभी टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल यूजर्स को आधार कार्ड से जुड़ने का आदेश जारी किया है। सभी लाइसेंस धारक टेलीकॉम कंपनी अपने मोबाइल कस्टमर, चाहे वो प्रीपेड हो चाहे पोस्टपेड हो, को ई कॉमर्स के जरिए दोबारा वेरिफिकेशन कराएं। और साथ में नोटिफिकेशन में ये भी कहा है कि अगर किसी नंबर का वेरिफिकेशन नहीं होता है या फिर आधार कार्ड के नंबर से जुड़ा नहीं है तो नंबर को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपका सिम कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया है आपका सिम कार्ड बंद हो सकता है। अब दोस्तों जो भी सिम कार्ड लिया जाएगा वो आधार कार्ड के साथ लिंक करके ही, उनका वेरिफिकेशन होने के बाद ही सिम कार्ड स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि सभी कंपनियों को अपने मौजूदा यूजर्स को प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर SMS के जरिए दोबारा वेरिफिकेशन की जानकारी देना होगा। और आपको बता दें कि दोस्तों टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करने के लिए मोबाइल कंपनियों को 6 फरवरी 2018 तक का टाइम दिया है। तो आपको मैं बता देता हूं कि आप मोबाइल फोन को कैसे आधार कार्ड से लिंक करेंगे। तो इसके लिए यूजर्स को अपने मोबाइल नंबर प्रोवाइडर कंपनी को नजदीकी स्टोर में जाना होगा। यहां से यूजर्स अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं। स्टोर पर जाते समय अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाएं। और आपको बता दें कि मोबाइल नंबर सभी स्टोर पर लिंक नहीं हो सकेगा, इसलिए दोस्तों आप कंफर्म कर लीजिएगा कि जिस स्टोर पे आपके आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं उसी स्टोर पे जाइएगा।